ये लास्ट क्लास का था, यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो ये 3600 यूनिट सेल कर रहा है, तो हमको 3600 यूनिट्स का निकालना था। चलो टोटल करो, 1,58,400 प्लस 5,400 कितना आ रहा है? 1,63,818,000। ठीक है, प्लस पर यूनिट कॉस्ट देखो कितनी हो गई, 45.50 है ना। देखो 44 उतनी ही रहेगी, हम पर यूनिट इसलिए निकालते हैं क्योंकि सडन बीच में क्या होता है, यूनिट्स चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे 4400 था, फिर यहाँ पे कितना आया था, 3600 से लेने बोला था, तो 44 रुपीज पर था, इसे 3600 इंटू 150 किए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो प्रॉफिट निकालना है, तो ये इसका कितना आया, 1,63,800। अब बताओ प्रॉफिट कितना बोला है क्वेश्चन में? यूनिट सोल्ड दिया है, थर्टी सिक्स हंड्रेड एट द रेट ₹50 ईच। क्वेश्चन में देखो लास्ट लाइन में दिया है कि 3600 यूनिट्स बेच रहा है, और वो भी कितने से, ₹50 ईच। तो ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब प्रॉफिट ऐड होगा तो आता है सेलिंग प्राइस। तो देखो हमको सेलिंग प्राइस दे दिया है ₹50 ईच, यानी 3600 इंटू 50 करो कितना आया, 1,80,000। 1,80,000। ये हो गया 1,80,000। तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये बैलेंसिंग, वो हो जाएगा अपना प्रॉफिट। तो 163,800 माइनस 1,80,000 करो तो आंसर आएगा 16,200। तो ये बैलेंसिंग अपना आंसर था, और 45.50 में 4.50, ये आ रहा है समझ में? कहीं पे डाउट है किसी को? बन गया सबसे? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं? यस मैम। किसी को डाउट तो नहीं ना? मोनिका, मोनिका है, रेशमी, रितिका, वंदना, कहीं डाउट है बेटा? क्लियर करूं? नो मैम, क्लियर यस मैम, क्लियर है। ठीक है, मतलब स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन रख रही हूँ। आपके बुक में क्वेश्चन होगा बैक क्वेश्चन नंबर 10 या 11 पे, देखो पियानो वाला एक क्वेश्चन है, अपन वो करेंगे अब। देखो सब, मैं स्क्रीन पे भी रख रही हूँ, बट आप लोग देखो उस क्वेश्चन को, अगर आपके बुक में है, सबके बुक में होगा वो पियानो वाला, बैक क्वेश्चन 10, 11, 12 में कहीं होगा। देखो जल्दी से, माइक म्यूट करो, कोई माइक म्यूट नहीं किसी का।
दो पियानो है ग्रेड वन और ग्रेड टू, ठीक है, 40 पियानो जिसमें 20 ग्रेड वन व शेष ग्रेड टू के हैं, तो देखो 40 है जिसमें से ग्रेड वन के कितने हैं 20, तो ग्रेड टू के कितने होंगे, उसके भी 20 ही होंगे। निर्माण लागत कितनी है 8,000 रुपये है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है 8,000, आगे देखो जो पियानो है, पियानो की कुल लागत का ग्रेड वन पियानो की कुल लागत का 55% लागत रखते हैं व ग्रेड टू पियानो की कुल लागत का 45%, तो ये टोटल कॉस्ट का 55% है और ये कितना है ग्रेड टू वाला 45%। प्रत्येक ग्रेड के पियानो की लागत का निर्धारण करें और उसमें 15% अप्रत्यक्ष व्यय को जोड़ें, एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच ग्रेड एंड ऐड देयर टू 15% फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने बता रहा है 15%, ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस इन द शोरूम कॉस्ट 60 पर पियानो। नेक्स्ट देखो सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज रुपीज 4,000 इन द केस ऑफ ग्रेड वन एंड 3,800 इन द केस ऑफ ग्रेड टू। कॉस्ट शीट बनाना है, चलो पर्टिकुलर और चार कॉलम बनाओगे अमाउंट के, ग्रेड वन के लिए 2 कॉलम, ग्रेड टू के लिए भी 2 कॉलम, चलो बनाओ, मैं भी बनाते जा रही हूँ साथ साथ में, जल्दी से। चार कॉलम बनेंगे, ग्रेड वन पियानो के लिए 2, ग्रेड टू पियानो के लिए भी, ये देखो ऐसे करके चार कॉलम बनाओ अमाउंट के। पर्टिकुलर लिखो, यहां देखो आउटपुट कितना आ रहा है इसमें और इसमें, आउटपुट दोनों में सेम आ रहा है 20 यूनिट से। देखो 20 ग्रेड वन व शेष ग्रेड किसके टू के, तो टोटल कितने 40 पियानोज हैं, तो 20 ए के, तो 20 बी के, तो इसमें भी 20, इसमें भी 20 है, ठीक। इस तरफ ग्रेड वन का बना रहे हैं, इस तरफ ग्रेड टू का बनाएंगे, ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट, ये भी टोटल कॉस्ट, ये कॉस्ट पर यूनिट का होगा, ये देखो ये ग्रेड टू का बना रहे हैं अपन, ये ग्रेड वन का हो गया, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, कितना दिया है देखो, निर्माण लागत 80,000 रुपये है दिया है, ये देखो ये यहां पर देखो हाईलाइट कर रही हूं मैं, ये देखो 80,000, ये कौन मेरे स्क्रीन पे ड्राइंग कर रहा है भाई, ये देखो ये 80,000 दिख रहा है, ये मैंने ब्लू से देखो हाईलाइट किया है क्वेश्चन पे, दोनों हिंदी और इंग्लिश में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
यस मैम देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पियानो की कुल लागत का 55% लागत रखते हैं, कौन सा? ग्रेड वन। तो ग्रेड वन में 55% है और ग्रेड टू में कितना होगा? 45% होगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी है मैन्युफैक्चरिंग की? 80,000। तो चलो 80,000 का निकालो 55%, फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है। तो जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा? 36,000 होगा, ठीक है। और टोटल पियानो कितने हैं? देखो दोनों में 20-20, तो डिवाइड बाय 20 करो दोनों को, तो कितना आएगा? 2200 रुपए और इसमें आएगा एक की कॉस्ट 18,000। हाँ तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो, यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखो 44,000 और यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखो 36,000। देखो ये जो वर्किंग नोट चल रहा है ना, ये साथ साथ नोट करते जाओ, मैं इसको रफ कर दूंगी नहीं तो जल्दी से। और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 1800, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब देखो इसके बाद क्या ऐड करने बोल रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने बोल रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, प्रत्येक ग्रेड के पियानो की लागत का, तो ये देखो ये लागत है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, निर्धारण करें और उसमें 15% अप्रत्यक्ष व्यय के जोड़ें। तो 15% हमको ऐड करना है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो 44,000 का 15% निकालो और एक 36,000 का 15%। मैम 44 वाले का आ रहा है 6,600 और यहाँ पे ना ये कॉस्ट हो जाएगी आप लोगों की 330। सेम वैसे ही 3600 में ना ये कॉस्ट आएगी आपकी 5400 और इसको डिवाइड करोगे 20 से तो आ जाएगा 22, ये हो जाएगा 270। तो ये हो गया आपका। फिर देखो क्या ऐड करने बोला है इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हो गए। फिर देखो क्या करने बोला है ऐड, प्रत्येक ग्रेड, ये देखो शोरूम तक भाड़ा व स्थान की लागत 60 रुपए प्रति पियानो है, इधर देखो क्वेश्चन में 60 रुपीज पर पियानो दे रहा है, तो देखो यहाँ पे ये देखो 15 ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस इन द शोरूम कॉस्ट 60 रुपीज पर पियानो, तो 60 रुपीज दे रहा है तो 60 रुपीज ऐड कर दो पर पियानो का। चलो मल्टीप्लाई करो 60 × 20 1200, यहाँ पर भी हो जाएगा 1200, ठीक। ये है ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस कॉस्ट, फिर क्या ऐड करने बोल रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट कितना बोल रहा है, देखो 15% बोल रहा है, किसका? 15% ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट बोल रहा है? 15% बोल रहा है, ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस आर एडवर्टाइजिंग आर 15% ऑन द सेलिंग प्राइस, तो विक्रय व्यय व विज्ञापन के 15% है, जो 4,000 रुपए ग्रेड एक व 3800 ग्रेड टू के हैं, है ना। तो ये देखो इसका मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ग्रेड ए की वो है 4,000 रुपए पर यूनिट और ग्रेड बी की सेलिंग प्राइस है 3800 पर यूनिट, तो इस 4,000 का 15% निकालो, सिक्स हंड्रेड आ रहा है, तो ये इसका जो 600 रुपए है ये हो गया,
ये पर यूनिट की कॉस्ट सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, और इसमें देखो 3800 रुपए का 15% निकालोगे तो आ रहा है 570. मैम 570. तो ये देखो ये 600 रुपया हो गया पर यूनिट का, है ना. तो ग्रेड ए में कितने पियानोज हैं? 20, तो 600. सो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 600 रुपए पर यूनिट है इंटू 20, और ग्रेड बी का 570 इंटू 20 करो. ये पर यूनिट हो गया, तो ये हो गया अपना 12,000, और ये हो जाएगा अपना 11,400. तो ये हो गया 12,000 यहाँ पे, ये हो गया 11,400. तो अब इसको टोटल करो तो आ जाएगी अपनी टोटल कॉस्ट. इसका टोटल करो इन सब का, कितना आ रहा है टोटल देखो. इसका आ रहा है 63,600, 800, और यहाँ पे आ रहा है ये 00426 1216. तो ये हो जाएगा 70,54,000. आ रहा है? आ रहा है सबका आंसर? माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक म्यूट नहीं है. यस मैम. और यहाँ पे आएगा आपका 2700. सेलिंग प्राइस हमको ऑलरेडी दे चुका है सेल्स प्राइस. ये देखो ये 4000 रुपए ग्रेड ए के थे और 3800 रुपए ग्रेड बी के. तो ये देखो ये हो गया 40,000, ये हो गया 3800. तो यहाँ पे नीचे बना रही हूँ सेल्स प्राइस. जब दिया है 4000 रुपए है ए के, तो 20 रुपए के हिसाब से ये हो गया 80,000 ग्रेड ए के लिए. सेम ग्रेड बी के लिए देखेंगे अपन, 3800 इंटू 20 कितना हुआ? 76,000. ये क्लोज कर देंगे अपन, तो जो डिफरेंस है वो हो जाएगा अपना प्रॉफिट. तो 4000 में से 3190 माइनस करोगे तो 810 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1100. तो इंटू 20 करते चलो तो प्रॉफिट हो गया 16,200, और यहाँ पर प्रॉफिट हो गया अपना 22,000. तो ये था अपना क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है. प्रत्येक ग्रेड का, लास्ट लाइन पढ़ो, प्रत्येक ग्रेड का कुल लागत पर लाभ का प्रतिशत व विक्रय मूल दर्शाते हुए लागत पत्र बनाएं. तो ये देखो ये विक्रय मूल्य मींस सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया था निकालने के लिए. देखो मैं क्वेश्चन को क्लियर कर रही हूँ अच्छे से, देखो आप लोग समझोगे आप लोग. दिख रहा है क्वेश्चन में? यहाँ पे देखो प्रत्येक ग्रेड का कुल लागत पर लाभ का विक्रय प्रतिशत दर्शाते हुए यहाँ पे राइट अप ए कॉस्ट शीट शोइंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली. तो देखो प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, सेकेंड वाले का भी प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, अब परसेंटेज निकाला है. ये वर्किंग नोट रफ करूं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लिखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल ग्रेड, कुल लागत पर लाभ का प्रतिशत. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल ग्रेड, क्वेश्चन में निकालने बोला है.
तो ग्रेड ए का देखो, फिर ग्रेड बी का, कुल लागत पर बोला है लाभ का प्रतिशत, तो कुल लागत देखो 63,800 है, लाभ का प्रतिशत, लाभ कितना है 16,200 × 100, फिर सेम ग्रेड टू का, ये तो मैंने वन को ए कर दिया, ये ग्रेड टू का वही प्रॉफिट कितना है 22,000, और लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा ये 54,000 पे कुल लागत पर, है ना, तो करो कितना आ रहा है आंसर, करो निकालो कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 25.39%, 25.39 है ना, और इसमें आ रहा है आपका 40.74%। फिर देखो प्रत्येक कुल लागत पर लाभ का प्रतिशत व विक्रय मूल्य, ठीक है, अब सेम विक्रय मूल्य पर निकालो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेम जैसे अभी टोटल कॉस्ट पे निकाला था, तो अब यहां पर निकालो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पे निकालो कुल क्या विक्रय पर लाभ का प्रतिशत लिखो, फिर ग्रेड वन में देखो, फिर ग्रेड टू, विक्रय पर बोला है तो 16,200 लाभ है और विक्रय कितना है इसका 80,000, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है, ये कॉस्ट प्राइस में इनटू 100 करो तो आ रहा है ये 20.25%, सेम ग्रेड टू का प्रॉफिट 22,000 अपॉन सेलिंग प्राइस कितना है 76,000 इनटू 100 करो तो ये आ रहा है आपका 28.95%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं आपको क्लास में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करा रही हूँ ना, जिसमें आपकी पूरी वैरायटी कंप्लीट हो रही है, तो ये सब सिलेक्ट करके रखो क्वेश्चन, जो भी करवा रही हूँ सब सिलेक्टेड ही है, ठीक है, तो सबको सिलेक्ट करके रखो, पूरी वैरायटी कंप्लीट हो रही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।